दोस्तों, मैं अमरजीत और आज इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डेड फोन को कैसे रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ इस नोकिया बैटरी से। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, मेरे पास एक फोन है जो डेड है। ओके, आपको इसकी शॉर्टेज में चेक करवा देता हूँ। फोन है मेरे पास अभी, ये मेरा डेड है। अभी चेक कर देते हैं, आपको शो होगा ये बीप कर रहा है मल्टीमीटर। सो ये फोन अभी शॉर्ट है। तो हमको क्या करना है कि इसको अभी रिपेयर करना है, कि शॉर्टेज किसकी निकालनी है, इसमें शॉर्टेज क्या है। तो पहले तो देख लेते हैं कि ऑन होता है कि नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं, ऑन करते बैटरी डाल के। अभी ऑन नहीं हो रहा। बस करना ये है हमें कि ये जो नोकिया की बैटरी है इसका ऊपर वाला कैप जो है निकाल देना है। कैप के नीचे दो टर्मिनल होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। को ये ध्यान रखना है कि बैटरी आपकी फुल चार्ज होनी चाहिए, डेड नहीं होनी चाहिए, फिर नहीं शॉर्टेज निकलेगी फोन की। इसमें से एक टर्मिनल नेगेटिव और एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना है कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है, नहीं तो ठीक करने के बजाय आप खराब कर देंगे। और आपको याद रखना है कि जब बैटरी आप खोली थी, इस कैप के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन बना होता है। ये वाला साइड जो होता है पॉजिटिव होता है और ये वाला नेगेटिव होता है। आपको चेक करवाते हैं। ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। आपको दो तार लेनी है और उनको ऐसे ध्यान रखना, आपको यहाँ जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ पे काला और जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे लाल लगाना है, कि जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे हमें लगाना है पॉजिटिव। इसे सोल्डर कर दीजिए। सोल्डर करने के बाद अब इसे ऐसे रहने दीजिए। अभी ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। आपको करना है सिर्फ ये है कि इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर देना है। इसे कनेक्ट करने से जो भी शॉर्टेज होगी आपके फोन की, कोई शॉर्ट कंपोनेंट होगा, वो ऑटोमेटिकली जल जाएगा। अभी इसे चेक करते हैं।
shortage is gone.